सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर, बी द चेंज। देखो, आप सभी स्टूडेंट्स का ड्रीम होगा कि आपको ज़्यादा पैसे कमाना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको आपके लाइफ में एक बार अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है। लेकिन ये सारे ड्रीम्स को कम्प्लीट करने के लिए आपको खुद के अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे। देखो, अभी आप जो स्टेज पे हो ना, आपसे काफ़ी लोग एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे। अगर आप नहीं बिलीव कर रहे हो तो आप एक बार क्या करो कि आज अपने मम्मी पापा के पास जाओ, उनसे पूछो कि आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी। ये आप अपने मम्मी पापा से पूछो, आपकी आँखें खुल जाएगी। आपको पता चलेगा कि आपके मम्मी पापा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। लास्ट के सिर्फ 16 से 17 दिन बाकी है सीईटी एग्जाम के लिए, एंड आप अभी भी क्या कर रहे हो। आपके आंखें खुल जाएगी एंड आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन देखो, अभी भी आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं है कि आप फिर से नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन। आप अभी से भी प्रिपेरेशन कर लेते हो तो आप अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन लोगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 16 दिन में प्रिपेरेशन करके COEP कॉलेज में जाओगे, लेकिन आपको टारगेट तो हाई रखना है। अगर आप टारगेट हाई रख रहे हो तो डेफिनेटली आप कोई एक रेपुटेटेड अच्छे कॉलेज में तो एडमिशन ले लोगे। अगर आप टॉप 3 कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप टॉप 5, टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओगे। तो हमेशा आपको आपका टारगेट तो बड़ा रखना है, एंड जब आप टारगेट बड़ा रखोगे तो उसके हिसाब से आप मेहनत करोगे। भले आपको टीयर 1 कॉलेज में एडमिशन नहीं मिले, बट आपको जो है टॉप 5 कॉलेज में तो एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। तो लास्ट के 16-17 दिन भी अगर अच्छे से प्रिपेरेशन कर लेते हो तो आप महाराष्ट्र के एक टॉप रेप्यूटेड कॉलेज में आप इंजीनियरिंग कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको एक महाराष्ट्र के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिले, आपको ये लास्ट के 16-17 दिन काफ़ी अच्छे से मेहनत करनी है। और आज आप सभी स्टूडेंट्स को मैं डे 4 का टारगेट बताने वाला हूँ, बट उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को मुझे बताना है कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट की या नहीं की। कल मैंने वीडियो में कहा था कि आप सभी स्टूडेंट्स को फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज करना है, तो जो भी स्टूडेंट्स ने फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट की है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और आज हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले, जैसे कि मैंने डे 1 में ही आपको बताया था कि आप सभी स्टूडेंट्स को हम लोग जो है पहले मैथ्स और केमिस्ट्री को खत्म करने वाले, देन उसके बाद फिजिक्स को हम लोग लेने वाले, फिजिक्स चैप्टर्स को हम लोग प्रिपेयर करने वाले। अभी जितना जल्दी हो सकता है हम लोग मैथ्स के एंड केमिस्ट्री के चैप्टर्स को खत्म करना है, तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, सबसे पहला जो चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव, ये प्रिपेयर करना है, एंड अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले नेम रिएक्शंस के ऊपर आते हैं, तो नेम रिएक्शंस आपको अच्छे से करना है। सेकंड चीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सारे चैप्टर्स के आपको अच्छे से करना है, यूजेस अच्छे से करना है, एंड फोर्थ IUPAC अच्छे से करना है। ये सिर्फ 5 चीज़ें आप फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कर लो, अब CET एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी अच्छे से चले जाएगा, आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा, सारे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी जो वेटेज है 15-16 मार्क्स है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप 15-16 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये 5 चीज़ें अच्छे से करना है, नेम रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, देन उसके बाद IUPAC एंड कॉमन नेम। ये 5 चीज़ें आपको अच्छे से करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अभी हम लोग मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में आपको 2 चैप्टर ये प्रिपेयर करना है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये 2 चैप्टर को प्रिपेयर करने थोड़ा टाइम जाएगा, इसलिए आपके लिए मैथ्स के इजी टॉपिक को रखा है मैंने। मैथ्स देखो, मैं डेली स्ट्रेटजी भी ऐसे दे रहा हूँ कि आपका मैक्सिमम सिलेबस जल्दी कवर हो जाए। ऐसा नहीं है कि हाई वेटेज वाले ही चैप्टर्स दे रहे हैं। अभी ये 2 चैप्टर्स को मुझे पता है तुमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 1-1 घंटे के चैप्टर है, 1-1 घंटे में आपके खत्म हो जाएंगे। तो आपके आज टोटल 4 चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो कुछ हाई वेटेज वाले को चैप्टर्स को हम लोग को पहले कंप्लीट करना है, एंड कुछ साथ ही साथ जो है साइमल्टेनियसली लो वेटेज वाले चैप्टर्स को भी हम लोग को साथ में लेके चलना है, एंड उसको भी कंप्लीट करना है। तो अभी हम लोग को मैथ्स में जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये कंप्लीट करना है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज वीडियो के स्टार्टिंग में ही मुझे बताना था कि आपको सेकेंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। जैसे कि आपको पता है आज डे 4 है, तो डे 4 को मैंने हर एक अल्टरनेट डेज पे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने के लिए कहा था। तो डे 4 में देखो, आपको मैथ्स के 10 चैप्टर्स को आपको अच्छे से रिवाइज करके फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। ये 10 चैप्टर्स के नेम्स आप देख सकते हो, ये डे 4 तक का हम लोग ने ये 10 चैप्टर्स को प्रिपेयर किया है। मैथ्स के ये 10 चैप्टर्स को हम लोग ने प्रिपेयर किया है डे 4 तक। एंड अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट में सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री भी रिवाइज कर लेते हो, एंड हैलोजन डेरिवेटिव एंड अल्कोहल फेनॉल्स ईथर्स उतने अच्छे से भी नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से रिवाइज करके फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, एंड देखो आपका कितना स्कोर आ रहा है। और जब आपका पहला मॉक टेस्ट का जो स्कोर था, एंड जो अभी सेकेंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट का जो स्कोर होगा, वो काफ़ी अलग होगा। आपका डेफिनेटली स्कोर जो है इम्प्रूव होगा, और ऐसे ही धीरे धीरे हमें स्कोर इम्प्रूव करते जाना है। एंड जब हम लोग 5वां 6ठा फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, तब हमारा स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हुआ होगा। तो
आज आप सभी स्टूडेंट्स को जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लेना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट का देखो यहाँ पे मैं टाइम टेबल भी बता देता हूँ आपको। फर्स्ट शिफ्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म करो, सेकंड शिफ्ट में मैथ्स को करो, थर्ड शिफ्ट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट को सॉल्व करो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट की जो रजिस्ट्रेशन है अभी भी ओपन है, 1 से 2 दिन, लास्ट टू लास्ट 1 से 2 दिन रजिस्ट्रेशन मैंने ओपन रखी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाले, उसके बाद आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे। जो भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करना चाहता है वो राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएगी एंड सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। और काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इस चैनल के थ्रू। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके रखो इस चैनल को। एंड आपके लिए लास्ट के 17-18 दिन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है ये चैनल, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आने वाला है इस चैनल पे। आई होप आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना, व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सारे डाउट्स आपके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।